सिटी पोस्ट में मैं हूं आपके साथ में अनामिका। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के गहमा गहमी तो पहले भी हम बता रहे हैं कि लगातार बढ़ती ही जा रही है। चुनाव को लेकर के टिकट बंटवारे और प्रत्याशियों के चयन का काम जो है वो अब अंतिम दौर में चल रहा है। इस दौरान कांग्रेस आज सेकंड और थर्ड फेज के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। बुधवार की देर शाम तक नई दिल्ली में हुई कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग गई है और ये माना जा रहा है कि गुरुवार को सेकेंड फेज के लिए पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देगी। कांग्रेस से जुड़े विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक इस बार के चुनाव में पार्टी ने शत्रुघ्न सिन्हा और शरद यादव जैसे दिग्गज राजनेताओं के बेटे बेटियों को भी टिकट दिया है। बुधवार को ही कांग्रेस ज्वाइन करने वाली शरद यादव की पुत्री सुभाषिनी यादव को जहां बिहारीगंज से पार्टी का उम्मीदवार बनाने की औपचारिक घोषणा मात्र शेष है, तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में एक और फिल्म स्टार यानी कि बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा को भी टिकट दिए जाने की बात सामने आई है। इस सब के साथ साथ आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा को कांग्रेस इस बार बाकीपुर सीट से अपना उम्मीदवार बना रही है। पार्टी इन नामों की औपचारिक घोषणा आज कर सकती है। ये जो पूरे के पूरे नाम है मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों के ये पूरे नाम है और उनकी सीट के बारे में मैं आपको छोटी सी जानकारी दे दूं। बाकीपुर सीट की बात करें तो यहाँ से लव सिन्हा, पटना साहिब से प्रवीण कुशवाहा, नालंदा से गुंजन पटेल, अरविंद से छत्रपति यादव, राजगिरी से रवि ज्योति कुमार और गोविंदगंज से ब्रजेश पांडे, सकरा से उमेश राम, बेनीपुर से मिथिलेश चौधरी, चनपटिया से अभिषेक रंजन, महाराजगंज से विजय शंकर दुबे, बतनाहा से संजय राम, बिहारीगंज से सुभाषिनी यादव, गोपालगंज से आसिफ गफूर, वैशाली से इंजीनियर संजीव, पारो से अनुनय सिन्हा, मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी, रोसड़ा से नागेश कुमार पासवान, सुपौल से मिन्नत रहमानी और आपको बता दें कि कुशेश्वर स्थान से कृपानाथ पाठक हैं, जो ये सारे जगहों से इन प्रत्याशियों के नाम की जानकारी मैंने आपको दी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, नामिका को दीजिए इजाजत।